नमस्कार बंधुगण, मुँ आपण मानू पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची आंबेडकर शिक्षा को। आज वीडियो आपण मानी बहुत महत्वपूर्ण एवं आपण मान गोटे नुआ दिग्दर्शन देव आउ ये वीडियो को शेष पर्यंत देखिपारे आपण मैंने जापरेंगे जो जो बर्तमान SSB लेक्चरर जो केस्ट से केस क्यों दिगक जीव एवं क्यों रूप नेब आउ SSB आस्पिरेंट मानी यहाँ फलप्रद हो कि निराश कर आपण मैंने जापरेंगे। ता पूर्व मुझे जनईदेक चाहूँगी आपण मैंने ऑनलाइन चेक करें जो लिखाई फाइलिंग नंबर 36125/2023 चेक करें हाइकोर्टर राय कौन रही तार डिटेल्स आपण मैंने जमी मुझे देखिपार आपण मानक डॉक्टर अम्य रंजन बारिक आउ स्टेट ऑफ ओडिशा जो केस होता से देखिपार आपण मैंने चेक करें ऑनलाइन माध्यम रे। आउ वर्तमान मु आपण मानकु जणैबी जे आमर जो केसटा होइजी आउ से केस वर्तमान को रूप को नेबो आउ कोन केमता डायरेक्शन रहिजी। फर्स्ट पेज रे आपण मान देखंतु एठी जो हाईकोर्ट जज बिरजा सतपति जो आमर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जे देइजंती राय देइजंती से देखंतु 4-1, 2-3, 4 चारिटा केस को स्टडी करी रिलेट करी की तांकर निष्पक्ष देइजंती। आउ जो स्टेट आपण मान देखुजंती सेठी मे बी सेट रहिजी आउ सेठी आमर जो नियम कानून तारु टिके अलग रही आउ तांकर जो न्याय से शुणी से मे बी टिके अलग डायरेक्शन जापरि। तो बर्तमान आपण मैं देखूँ जो आमर वर्तमान जो न्याय आसला जो रिपोर्ट आसला रिजल्ट आसला से कहुई कि आम जो मैंने 55% PG रखी विथ आउ जो मैंने सब नेट आउ JRF क्वालिफाई करेक्चर पर एलिजिबल किंतु यहाँ बहुत हजार हजार छात्र छात्री मानक निराश कर। बर्तमान आपत देखु जो आसीस्टाट प्रफेसर जो क्राइटेरिया अच्छी सेटा 55% जोटा कि आम ओडापे लागू अच्छी आपण मैंने जानते OPSC थ्रो में जो मैंने सब एग्जाम दिखती आसीस्टाट प्रफेसर हमें से नेट थाए कि JRF थाए विथ से OPSC थ्रो में इंटरव्यू दिखती कि एग्जाम दे कि एंट्री करी आपण मैंने देखिपे जो सेट आउ स्लेटर आवश्यकता रही जोटा कि आम ओडार ना कि आपण मैंने वर्तमान बुझंतु जे ओडिशा जो कैटेगोरी कॉलेज अच्छी सेटा कौन कौन देखूँ 488 कैटेगोरी जो कॉलेज अच्छी सेटा गोटे टाइप रा कॉलेज अच्छी जोटी की आम देखुचे मानने जोटा कि आम वर्तमान जो नोटिफिकेशन क्वाश्ची से 488 कैटेगोरी कॉलेज क्वाश क्वाश्ची आउ गोटे कैटेगोरी कॉलेज अच्छी जोटा कि 662 कैटेगोरी कॉलेज जोटार कि नोटिफिकेशन मानने जो मैंने सिंपल पास कर PG मैंने जो सिंपल पास जो PG पिला मैंने करेंगे ना आउ ये आप बुझीपड़े कि 488 कैटेगोरी जो कॉलेज अच्छी जोटा बर्तमान बहुत बड़ा मुद्दा साजिश जोटा कि बर्तमान हाईकोर्ट जज ताक क्वाश कर दे नोटिफिकेशन को जोटा कि सिंपल पिलाने जी PG पास करते हैं आउ 662 कैटेगोरी PG विथ BED आवश्यकता रोला प्लस टूर गवर्नमेंट कॉलेज रे PG विथ BED PGT पिलांकर आवश्यकता रोला किंतु वर्तमान देखंतु जो केसटा होसटा है यहाँ कि जो मैंने आसीस्टाट प्रोफेसर UGC गाइडलाइन को लेकिन विथ आमर जोटा रही लेक्चरर मानक 488 कैटेगोरी कॉलेज को कौ बेसिस रे आमर से मैंने क्वाश करते भल भाव ये नोटिफिकेशन जना ना तो आपण मानक देखा पड़ो यटा आम 2016-2023-2024 पर्यंत आम आसला। ता पूर्व आपण मानक जनईदेक चाहिए सुप्रीमकोर्ट अफ इंडिया राय में से कौन दे आकचुअली आमर जी थे रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो तो सेटा कौन से रिक्रुटमेंट प्रोसेस को अधारु भांगी हेबो कि देखो यहाँ हेबो ना कारण इंडिया टुडे रिपोर्ट देती कैन गवर्नमेंट जब रिक्रुट रूल्स भी चेंज्ड मिड वे नो से सुप्रीमकोर्ट राय देटा कथा कथित आपने जानते भलसे एट टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अच्छी जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते आमर मिड वे रूटा भांगी हेब ना यहाँ गोटे होप रोचे कारण आम प्रोसेसटा स्टार्ट होता पे अप्लाय कर सारी हुए तो यहाँ केस पर आप्लाय होता कितु जदि प्रोसेस स्टार्ट तो यहाँ कौन सतरे बंद हे कि बहुत मानने जो मैंने सब नेट जे पा मानते से मैंने होप कर कैनसल मतलब हो जाऊ आउ आमको मतलब नेट जारी पिला चान्स मिलू यहाँ भल नुह के समस्त को चान्स मिलवा दरकार जो मैंने नेट क्वालिफाई करना एग्जाम थ्रो में इंटरव्यू थ्रो में जॉब मिलवा निश्चिंत आवश्यकता रही। देखो हिंदुस्तान टाइम्स जो अच्छी 2024 रो देखा ये प्रोसेस कहुई सुप्रीमकोर्ट अर्डर अनुसार किसी हो पार ना जी मिड वे
ମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋପ୍ ରହିଲା ଏଇଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ କ୍ୱାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେସ୍ଟି ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଛି ଆମ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ହେଲା କି ଆମେ SSB ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, SSB ତା ତରଫରୁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ବୋଲି। ସେ 786 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଟା, SSB ଯେହେତୁ ଦେଇନି ମତଲବ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରିନି, ତା ମାନେ SSB ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେସ୍। ଆଉ SSB ଲଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କେସ୍ଟି ଲଢ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତେ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ହୋପ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା 90% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇଏ କେସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଜିତିବେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ହୁଏତ ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ହୁଏତ ଇଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିପାରେ, ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମତଲବ ଜଣେ କିଏ ଗୌରୀହରି ବାରିକ ଯିଏ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆଣିବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କେଉଁ ୱେରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।